नमस्कार, मैं हूं ऋतु मिश्रा और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। भारत की आजादी के सबसे बड़े नायक महात्मा गांधी थे, लेकिन भारत जब आजादी का जश्न मना रहा था तब गांधी जी उपवास पर बैठे थे और आजादी के जश्न में शामिल नहीं हुए। वो 15 अगस्त 1947 को बंगाल के नोआखली में थे और वहां हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने के लिए जिस लड़ाई का नेतृत्व किया था उसका अंत 15 अगस्त 1947 को हुआ। देश आजाद हुआ और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया। जनता सड़कों पर थी, लोग आजादी की पहली सभा में झूम रहे थे, चारों तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन महात्मा गांधी इन सब से दूर बंगाल में देश के बंटवारे के दौरान हो रहे हिंदू मुस्लिम दंगों की वजह से पीड़ा में थे। नेहरू और पटेल ने गांधी जी को खत भेजकर बताया था कि 15 अगस्त को देश का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। पर फिर भी गांधी जी नहीं आए। उन्होंने खत के जरिए कहा था कि जब हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ। कांग्रेस के कुछ नेता उन्हें मना कर लाने के लिए बंगाल गए, लेकिन उन्होंने सबको वापस लौट जाने को कह दिया। आजादी की पहली सुबह गांधी जी के उपवास के साथ शुरू हुई। बंटवारे के दर्द को जाहिर करते हुए मशहूर शायर फैज अहमद फैज ने अपनी नज्म सुबह आजादी में लिखा था, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं।